कोलैबोरेशन तो है ही, और ये हमारी बात मेरे ख्याल से कुछ डेढ़ साल दो साल पहले हुई, दो साल पहले जो लियाकत भाई ने बताया था डायमेंशन म्यूज़िक के बारे में। और एक्साइटमेंट की बात यह है कि डायमेंशन म्यूज़िक और लियाकत भाई, इनका जो टेस्ट इन म्यूज़िक है, जो आज मेरे ख्याल से इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो लैक, आप सबको पता होगा कि हमारी जो म्यूज़िक है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है लास्ट आठ दस साल से। तो वो इस वजह से है क्योंकि काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस और जो नॉन म्यूज़िकल लोग हैं वो इंडस्ट्री में हैं, और वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, वो म्यूज़िक डायरेक्ट कर रहे हैं, म्यूज़िक कंपनीज़ को ऐसा लगता है कि वो जो म्यूज़िक बनाते हैं या कंपोज करते हैं वो ही लोगों को पसंद आता है, ऐसा है नहीं। और इस वजह से जो डाउनफॉल हुआ है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर, वो इस वजह से। तो विद डायमेंशन म्यूज़िक विद हिम आई हैव स्पोकन, आई मीन आई हैव नोन हिम फ्रॉम 15-20 साल से। तो जो चॉइस है इनकी और जो मेलोडीज़ है, आपने शायद अगर ये गाने जो अभी रिलीज़ हो रहा है आज और जो होने जा रहे हैं, और दो गाने और हैं, तो वो अगर आप सुनेंगे और उनके लिरिक्स सुनेंगे, उनका मेलोडी जो है वो सुनेंगे, तो आपको एक झलक लगेगी ऑफ आर म्यूज़िक। आर म्यूज़िक बना से इंडियन म्यूज़िक जो होता है, तो उसकी झलकें आपको इस म्यूज़िक में वो दिखाई देंगी। तो दिस इज़ द मेन एक्साइटमेंट ऑफ दिस एंटायर डायमेंशन म्यूज़िक का मुद्दा। करेक्ट। बहुत ज़रूरी है ये, कितना इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते ना कि यू शुड हैव अ गुड ईयर फॉर म्यूज़िक, एंड आई हैव दैट, मेरे पास वो है। तो लाइक हमारे पास जितने लोग आते हैं, हम अराउंड 50-100 गाने सुनते हैं हम, और उसमें से हम जो हमको लगता है कि ये बिल्कुल एक नायाब है, कुछ उसमें नया है, हम वो गाना लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं और उसको टोटली बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली जैसा अकबर भाई ने कहा, वी आर ट्राइंग टू स्टे फोकस्ड कि हम हमारे नॉर्मल जो हिंदी गाने होते हैं उस पर रहें, हम उसके साथ फोक मिला रहे हैं, सूफी मिला रहे हैं, हम उनके साथ में ट्रांस मिला रहे हैं, जो फोक जो बेस है हिंदुस्तानी म्यूजिक, वो उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ नया कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट, अच्छा म्यूजिक बनाएंगे, मज़ा आएगा सुनने में। किस तरह का कोलैबोरेशन होने वाला है? टीम वर्क है, इट्स अ टीम वर्क। मैम आप क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक लेवल के बारे में? आइए, लाइक जैसे कि लियाकत ने कहा है, म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों के लिए, वी आर ऑल म्यूज़िक लवर्स। और ये जो डायमेंशन म्यूज़िक के जो ये गाने अभी आने वाले हैं, जो अभी रिलीज़ हो चुके हैं और जो और भी आने वाले हैं, वो सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं, मेलोडियस है। और जैसे कि अकबर भाई ने कहा, इसमें एक इंडियन टच है, इंडियन फील है, जो आई एम श्योर सभी को बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आजकल अच्छा म्यूजिक का एक जो फुरकान क्या बोलते उर्दू में बनकार फुकदान जो पड़ा हुआ है, मतलब अच्छा म्यूजिक सुनने ही नहीं मिलता है। जहाँ म्यूजिक देखो एकदम कोई, या तो ऐसा लगता है जैसे रैप गाया जा रहा है, बीमार टाइप का। लेकिन सही म्यूजिक, जैसे पहले के ज़माने में डॉक्टर कहते थे कि अगर आप तबीयत ठीक करना चाहते हो तो अच्छा म्यूजिक सुनो, तो ऐसा म्यूज़िक मुझे लगता है अब यहाँ से थ्री डायमेंशन से आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके सारे गाने जो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने गाए, खासकर अल्तमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उन्होंने हमारी फिल्म अभी जो आ रही है कॉफ़ी विथ अलोन में बहुत अच्छा गाना गाया, शादी के लिए बहुत दिन के बाद में गाना आया, भाई की शादी है हमारे भाई की शादी है, खाना आबादी है भाई की शादी है, बड़ा अच्छा गाना है। तो अल्तमेश हो गया, ऐसे सारे टैलेंटेड कलाकारों का मिल के अगर ये गुलदस्ता बना है और डायमेंशन म्यूज़िक के थ्रू ये म्यूज़िक हम तक तो पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत अच्छी ट्रीट होगी, और ख़ासकर म्यूज़िक के चाहने वाले को, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में हिंदी संगीत को समझा जाता है, सुना जाता है, वहाँ वहाँ ये म्यूज़िक पसंद किया जाएगा और सुपर हिट है। ये लिख लीजिए आप, भावनाओं को समझो। ये पूरी टीम से मेरा कोलैबोरेशन हमेशा से रहा है। अभी जैसे ये गोला ब्रदर्स है, इनके साथ में मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी भावनाओं को समझो,
वो मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, इनके अंकल हैदर गोला ने की थी। उसके बाद हमारे इसरार भाई जो है वो हमारे गॉडफादर हैं, वो जो कुर्सी लगी उन्हीं की है। उनके साथ में कई सारी फिल्में करने का मौका मिला, बहुत सारा काम करने का मौका मिला। और अल्तमश के बारे में बताया कि हमारी तो शुरुआत ही हमने लाइव शो स्टेज शो से की, तो इस तरह से ये डायमेंशन ही थ्री डायमेंशन एक तरह से देखा जाता है। नहीं डायमेंशन ही है, थ्री डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन ही है। पूनम पांडे के घर वाले बोले वापस क्यों आई तू, अच्छा तो कर लिया था तूने। अरे भाई म्यूजिक के मुद्दे पर रहो। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक के मुद्दे पर रहो, डायलॉग मत करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर एक बार कहूंगा अच्छा गाना, अच्छा म्यूजिक, अच्छा संगीत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू, लव यू। आई कॉन्ग्रेचुलेट लियाकत भाई निसार भाई फॉर द लॉन्च ऑफ डायमेंशन म्यूजिक। और हर कोई जो म्यूजिक में कदम रखता है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं से दिल चाहे शुभकामना।